Every question given a pure LoRa network transmit 200 bit frames on a shared channel of 200 kbps. Frame की size दी हुई है 200 bit का frame है और channel की bandwidth दी हुई है 200 kbps. What is the throughput if the system or all station together produces 1000 frames per second or second है 500 frames per second. तो इन दोनों questions के लिए कैसे solution find होगा वो मैं बता रही हूँ. आपको 250 फ्रेम्स पर सेकंड के लिए खुद सॉल्व करना है. अब हमें क्या सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा ट्रांसमिशन टाइम ऑफ ए फ्रेम. तो TF इक्वल्स होता है फ्रेम की साइज डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ. तो फ्रेम की साइज क्या है 200 बिट्स, बैंडविड्थ क्या है 200 kbps. तो 200 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 10^3 करोगे तो ये कितना हो गया 10^-3 यानी कि 1 मिलीसेकंड. ट्रांसमिशन टाइम क्या है 1 मिलीसेकंड. अब फर्स्ट क्या है 1000 फ्रेम्स पर सेकंड ट्रांसमिट किए जा रहे हैं. तो 1000 फ्रेम्स पर सेकंड मतलब एक सेकंड में 1000 फ्रेम्स ट्रांसमिट किए जा रहे हैं. तो 1 मिलीसेकंड में कितने ट्रांसमिट किए जाएंगे 10^-3 इंटू 10^3. ये 10^3 है तो क्या बचेगा 1. क्योंकि हमें क्या निकालना है जी के वैल्यू. तो जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि मैंने आपको जी बताया था क्या होता है. क्या होता है एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम्स जनरेटेड बाय द सिस्टम ड्यूरिंग 1 फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम. एक फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम में कितने फ्रेम्स जनरेट होंगे. फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम क्या है 1 मिलीसेकंड. तो 1 मिलीसेकंड में कितने फ्रेम्स जनरेट हो पा रहे हैं 1. तो जी की वैल्यू क्या हो गई 1. इफ द सिस्टम क्रिएट्स 1000 फ्रेम्स पर सेकेंड दिस इज 1 फ्रेम पर मिलीसेकेंड. ठीक है, 1 मिलीसेकंड में एक ही फ्रेम जनरेट होगा इसीलिए जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1. प्योर एलोहा का थ्रूपुट क्या होता है जी एस इक्वल्स टू जी इंटू e^-2g. तो जी की वैल्यू 1 पुट करो तो आपको मिलेगा 1/e². इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर देना तो ये आपका आंसर हो जाएगा. अब सेकेंड क्या है 500 फ्रेम्स पर सेकेंड. तो इफ़ द सिस्टम क्रिएट्स 500 फ्रेम्स पर सेकेंड तो इसका मतलब है 1 सेकेंड में 500 फ्रेम्स. तो 1 मिलीसेकंड में कितने होंगे 10^-3 इंटू 500 यानी 500/1000. तो 500/1000 हो जाएगा यानी कि 1/2. तो जी की वैल्यू कितनी आ गई 1/2. तो जी की वैल्यू 1/2 सब्सिट्यूट करो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.184. हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने फ्रेम्स जो हैं सर्वाइव करेंगे यानी कि बिना कोलिजन के ट्रांसमिट हो जाएंगे डेस्टिनेशन के. तो आपको इस नंबर ऑफ फ्रेम्स पर सेकंड कितने हैं 500, इसको आप 0.184 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 92. दैट मीन्स ओनली 92 फ्रेम्स आउट ऑफ 500 विल प्रोबेबली सर्वाइव. तो ये बता रहा है कि 500 में से सिर्फ 92 फ्रेम्स ही होंगे क्योंकि 18.4% 500 का कितना होता है 92. तो सिर्फ 92 फ्रेम्स ही जो होंगे वो सर्वाइव करेंगे ट्रांसमिशन के लिए. सर्वाइव करेंगे मतलब सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो जाएंगे और बाकी के 500-92 तो 408 फ्रेम्स होंगे उनका कोलिजन हो जाएगा दूसरे स्टेशन के फ्रेम्स के साथ.